नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के निर्देश पर रांची एसडीएम रघुवीर सिंह मरावी ने थाना प्रभारी रमन सिंह मरकाम और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर बिलपुरा स्थित 3 मंजिला मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए फर्जी अस्पताल का भांडाफोड़ किया। यह अस्पताल गोविंद प्रसाद राय और उनकी पत्नी सीमा राय चला रही थी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीर लापरवाही मिली, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक कार्रवाई की गई और फिर बाद में अस्पताल को सील कर दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने देखा कि यहां पर जो अस्पताल चल रहा था उनके पास ना ही डिग्री थी और ना ही वो समुचित व्यवस्थाएं जो कि एक अस्पताल में होनी चाहिए। जांच में यह भी पाया गया कि गोविंद प्रसाद राय ने बोर्ड में जो अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर बता रहे थे उनके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। वहीं गोविंद प्रसाद राय की पत्नी सीमा राय के पास आयुर्वेदिक डिग्री थी, लेकिन वो एलोपैथिक के नाम पर मरीजों का इलाज कर रही थी। इतना ही नहीं, अस्पताल में जो मेडिकल स्टोर चल रहा था उसका लाइसेंस भी काफी समय पहले एक्सपायर हो चुका था। अस्पताल के भीतर 6 बिस्तर भी लगे हुए थे, जहां पर कि फर्जी डॉक्टर गोविंद प्रसाद राय अपनी पत्नी सीमा राय के साथ मरीजों का इलाज करते थे। एसडीएम रघुवर प्रसाद मरावी ने जांच के बाद राय क्लिनिक को सील करवा दिया है। दल गठित की गई है कि विभिन्न संस्थानों की जांच की जाने हेतु। इस संबंध में बुधवार को हमारी ड्यूटी थी, हमारी टीम बिलपुरा स्थित राय क्लिनिक पर गई और वहाँ पर क्लिनिक का जाँच किया गया। क्लिनिक में एलोपैथिक दवाइयों का इलाज किया जाना पाया गया और उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी कि एलोपैथिक दवाइयों का इलाज कर सकें। तो और भी अन्य चीज़ें थी, वहाँ पर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं था और 5 बेड लगे हुए पाए गए। इस आधार पर और भी अनियमितताएँ पाई गई तो उस क्लिनिक को सील किया गया। सर, इनकी जो मैडम है वो भी यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, क्या वो उनके भी जो डिग्रियाँ हैं वो सही हैं? हाँ, हमने मैडम की डिग्री की मांग किया, बीएमएस की डिग्री उनके पास पाई गई तो बीएमएस की डिग्री के अनुसार ही उनको आयुर्वेद का इलाज किया करना चाहिए था। आयुर्वेद का इलाज ना कर वो एलोपैथिक दवाइयों का इलाज कर रहे थे और उनके क्लिनिक में एक दवाइयों का भंडार भी पाया गया। उन दवाइयों में सभी दवाइयाँ एलोपैथिक की दवाइयाँ थी। क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ, कल मौके पर क्लिनिक को सील कर दिया गया है और भी जांच होगी और आगे सीएमएचओ तो साहब उस पर बारीकी से जांच करेंगे। उनकी जो संचालक हैं राय, जीपी राय, उनकी डिग्री जो बी एमबीबीएस ब्रैकेट में बायो लिखा हुआ था उसकी भी जांच करेंगे, क्या वो फर्जी डिग्री थी या फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए एमबीबीएस लिखे हुए थे, ये सारे तथ्यों की जाँच करेंगे। जी, कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम आज एक राय क्लिनिक की जांच करने आए हुए हैं और यहां पर इनसे दस्तावेज वगैरह मांग रहे हैं और इनके द्वारा भी कुछ दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं और विधिवत इनकी कार्रवाई करेंगे। कौन है ये और कहां पर इनका क्लिनिक है और किस प्रकार की कमियाँ पाई गई? अभी हम जाँच जारी है, हम पूरी जाँच होने के बाद जो भी कमियाँ होंगी मैं हम लोग अवगत करा देंगे। सर, आपका रघुवीर सिंह मरावी, एसडीएम रांची। जी, उन्होंने कई सारे नर्सिंग होम्स की जांच की है, कुछ जगह गड़बड़ी पाई है, वहाँ पर कार्रवाई हुई है, उसका भी रिव्यू मेरा नहीं हो पाया है। ये हम जून के फर्स्ट वीक में रिव्यू करेंगे, हम आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे।